नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना कौशाम्बी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला कौशाम्बी में सामने आया, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर ने डीएम से मामले की रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल प्रशासन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सिर्फ डॉक्टर पर पिपरी थाने में दर्ज हुआ है मामला। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार अस्पताल प्रशासन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ डॉक्टर पर पिपरी थाने में मामला दर्ज हुआ है। डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत का मामला सामने आया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया। एनसीपीसीआर ने डीएम से मामले की रिपोर्ट मांगी है। शेषधर तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शेषधर, एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या है पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। प्रयागराज के करेली के करेंदा के रहने वाले मुकेश मिश्रा की 3 वर्षीय भतीजी का इलाज इलाहाबाद के एसआरएन सुरगढ़ चल रहा था। उसको गंभीर अवस्था में लेकर के वो कौशाम्बी के पिपरी थाना के यूनाइटेड मेडिस सिटी हॉस्पिटल लेकर के आया, जहाँ डॉक्टर 2 मार्च को बच्ची को एडमिट किया। बच्ची के पेट को ऑपरेशन किया, ऑपरेशन बच्ची के पेट में इन्फेक्शन हो गया। दोबारा जब परिजन बच्ची को दिखाने पहुंचे, डॉक्टरों ने पैसे का हवाला देकर पैसा लाइए तब इलाज होगा। उसके बाद बच्ची को बगैर पेट में टाका लगा ही अस्पताल के बाहर बैठा ले गया। जब स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाया तो स्थानीय कौशाम्बी पुलिस और इलाहाबाद की पुलिस पहुंच, प्रयाग की पुलिस पहुंच करके मामले संज्ञान लेते। उसके बाद भी बच्ची इलाज अस्पताल के बाहर सड़क पर होता, आप विजुअल देख सकते हैं किस तरह बच्ची के पेट में टाके नहीं लगे हुए और सारा इलाज हॉस्पिटल के बाहर हो रहा है। अस्पताल की पूरी संवेदनाएं मर चुकी है, किस तरह 3 साल की बच्ची को जो है खुले में जहां डस्ट आ रही है, गंदगी है, वहां बच्ची का इलाज किया जा रहा है। देख रहे, सबसे बड़ी संवेदना यह हुई, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना कौशाम्बी में हुई है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका।